7 बज गए, उठो। अरे बहुत लेट हो गए, आज बहुत प्रेपरेशन करनी है ना। तुमने कहा था मेरी मदद करोगे, चलो फटाफट उठो, 5 मिनट है तुम्हारे पास। पूजा का सामान भी देखना है। करण ऐसा करती हूँ, मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, तुम तब तक कम से कम उठो जाओ। देखो तुमने मुझे कहा था ना, हेलो, तुमने कहा था कि आज सारी प्रेपरेशन में मेरी हेल्प करोगे। 7 बज गए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो उठो ना। कैसे हाथी घोड़े बेच के सो रहे हो, ये करण है या कुंभकर्ण? करण उठो, ठीक है मत उठो, मुझे पता है तुम सुन रहे हो। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही सारा काम कर लूंगी। वैसे भी मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे प्रॉमिस पर विश्वास किया। दी करण लूथरा के प्रॉमिसेस ऐसे फेक होते हैं। ठीक है जा रही हूँ नहाने, अच्छे से सोना। अजीब है यार, पटाखे के लिए सोचो, बिल्कुल टिपिकल वाइफ है, मम्मी से शिकायत करनी पड़ेगी। कुछ कहा तुमने? मैंने नहीं, कुछ नहीं। गुड, टिपिकल हस्बैंड हो गया। मामी जी 3 महीने हो गए, अब रोज इस रूम में आते हैं और सैड होके बैठ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। आप एक काम कीजिए ना, नीचे पूजा की तैयारियां हो रही हैं, आप भी आइए नीचे, कसम से बता रही हूँ, एक बार आप नीचे आएंगे ना आपका मन भी हल्का हो जाएगा। हाँ देखिए मामी जी, जो बीत गया ना मामी जी, वो बीत गया, वापस तो नहीं आएगा। आगे क्या आएगा वो मैं नहीं जानती, लेकिन ये जरूर जानती हूँ जो आप खो चुके हैं ना, वो किसी ना किसी रूप में फिर से आपके पास जरूर आएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी मामी जो है वो पास्ट में जी के ऐसे सैड रहे। कोशिश तो कीजिए मामी जी प्रेजेंट की खुशियों को अपनाने की, प्रेजेंट में जीने की, हम सबके लिए। अब सैड होते हैं ना किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ बेटा, मैं आज में ही तो जी रही। चले नीचे फिर। Beautiful, just perfect. अभी काम करते हैं, जल्दी से नीचे जाते हैं, इससे पहले कि आज के सेलिब्रेशन का क्रेडिट कोई और ले ले, सबको पता चलना चाहिए कि सब कुछ तुमने किया है। तुम जानती हो ना, मैं हमेशा वही करूंगी जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, because you're my favorite. I know बुआ, पर आप फिक्र मत कीजिए, नीचे हर कोई सिर्फ मेरी तारीफ करेगा, इन फैक्ट आपकी तारीफ करेगा। इतनी अच्छी बहू जो ढूंढी इस घर के लिए। Let's go. प्रीता is pregnant. Sorry. Congratulations, बेटा। तुझे पता है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी और शर्लिन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मामी जी लेकिन
आप इतनी श्योर कैसे? कृतिका पुत्र, क्योंकि सेम चीज मुझे भी हुई थी। तुझे पता है, जब किसी भी लड़की की कोख फाटती है तो उसके चेहरे पे एक अलग सी चमक आती है, और देख इसका चेहरा, देख कितना चमक रहा है। और ये चमक एक नई जिंदगी की चमक है। कितनी खूबसूरत सी चमक है, मां बनने की खूबसूरती। मम्मी जी, आज ऐसा लगता है कि इस घर की कुंडली भाग्य की एक नई शुरुआत होने जा रही है। शैलेन पुत्र, तू मुझे गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन देख प्रीता ने बिन मांगे ही मुझे गिफ्ट दे दिया। एक बार कंफर्म। थैंक यू। करण और प्रीता ठीक है ना? सरला जी, विश्वास कीजिए, मुझे तो पता ही नहीं चला। आज करण ने जोर से चिल्ला दिया तो जाके पता चला। करण ने जोर से चिल्लाया प्रीता पर, क्यों? सरला जी, जी प्रीता का वजन दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा है, और आप तो जानती है ना, एक बार लड़कियों का वजन जब बढ़ता है बढ़ते ही चले जाता है। वो कहते हैं ना, शादी के बाद लड़कियों का वजन तो बढ़ता ही है। आप बताइए कि आखिर बात क्या है। सरला जी, अब है ना सृष्टि के अलावा एक और बच्चा आने वाला है जो आपको बहुत परेशान करेगा। मुझे न माँ, न मोम, न मोमा, वो सब नहीं बोलेगा। पता है क्या बोलेगा आपको? नानी। प्रीता ने तो मुझे बताया ही नहीं। कैसे बताते? क्योंकि मैंने दोनों बच्चों को मना कर दिया था कि सरला जी को फोन करके कोई कुछ नहीं बताएगा जब तक कि मैं वहाँ खुद ना जाऊँ। मैं चाहती थी कि होने वाली दादी, होने वाली नानी को ये खुशखबरी खुद बताए। सो आ गई आपके पास। अच्छा, अब एक और बात, आज शाम को हमारे घर पे पार्टी है। मम्मी जी का बर्थडे तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो नन्ना मुन्ना छोटा मेहमान हमारे घर में आने वाला है, उसकी भी तो खुशी मनानी है कि नहीं? बिल्कुल मनानी है। आप सबको आना है। हम लोग जरूर मनाने आएंगे। आप नहीं भी बुलाती ना तो भी आ जाते, और अपने हाथों से मीठा भी बना के लेकर आऊंगी, प्रीता के लिए, करण के लिए, और मेरे लिए, सबके लिए। सच कहूं सरला जी, इन तीन महीनों में मैं टूट चुकी थी, लेकिन प्रीता ने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी, दिल जीत लिया, एक बार फिर जिंदगी जीने का मन करता है अपने बच्चों के लिए। तो अब मैं चलती हूँ जी, और आज शाम को आपको जरूर आना है। जरूर आएंगे। होने वाली माती तैयारियां कर ले। चलो बाय बाय। नमस्ते जानकी जी। प्रीता भी प्रीता, पुत्र जिस काम के लिए गई थी वो हो गया जी? प्रीता तुम ठीक हो ना? थैंक यू वेरी मच, हम सबको इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। जीते रहो भाई। प्रीता की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऐसी हालत में मूड स्विंग्स तो होते ही हैं। बस वही है, शी इज परफेक्टली फाइन। वो चलिए ना, सेलिब्रेशन की तैयारी करते हैं, दादी आते ही होंगे। एक मिनट।
ये क्या है? करीना बुआ, वो प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए किट लेकर आई थी। मॉम के बर्थडे पे हमने दाइमा को बुलाया, दाइमा तुम्हें चेक करेगी और वो प्रेगनेंसी कंफर्म करेगी। हमारे घर में जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट हुई है तो दाइमा ने प्रेगनेंसी कंफर्म की है। तुम सोच रही होगी कि हम लोग इतने ब्रॉड माइंडेड हैं तो फिर ऐसी ओल्ड फैशन बात है। कृतिका से पहले मैं प्रेग्नेंट थी, किट में चेक किया था और मिसकैरेज हो गया। तब से मॉम को ये बिलीव हो गया है कि प्रेगनेंसी किट कोई भी यूज नहीं करेगा इस घर में, दाइमा ही प्रेगनेंसी कंफर्म करेगी। शर्लिन की बात अलग है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वो हॉस्पिटल में थी, उसी वक्त उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी। लेकिन तुम नॉर्मल हो या घर पे हो, इस किट को यूज करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा था ना आपसे, वो वहां नहीं। क्या बुरी बात है अगर मैं प्रेगनेंसी किट में टेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं? सब लोग इतनी खुशियां मना रहे हैं तो एटलीस्ट कंफर्मेशन तो होनी चाहिए ना। किट में टेस्ट नहीं किया, डॉक्टर को कॉल करके बात कर लेते। करण, बुआ ने जो कुछ भी कहा इसलिए कहा क्योंकि सब लोग पुराने ख्याल के हो गए हैं। अगेन इट्स अ ट्रेंड, लेकिन मैं किट ले आया, जो कंफर्म कर लो। तुम मेरे लिए ये ले आए? या लेकिन सबसे पहले मुझे बताना, ओके ओके ना, अंधी करण होता सब चीजें मुझे पहले पता होनी चाहिए ताकि मैं जाके सबको कहूँ कि सबसे पहले गुड न्यूज मुझे मिली थी। ऑफ कोर्स स्टूपिड, लेकिन कुछ भी नहीं निकला तो। अरे तो क्या हुआ? अभी हम दोनों तो एक साथ है ना, ऑलवेज। कौन चेक? ठीक है, मैं जा रही हूँ। ब्यूटीफुल लग रही है तू। बहुत ही सुंदर लग रही है। थैंक यू। वैसे होने वाली मासी को कंग्रेचुलेशंस। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं होने वाली मासी हूँ तो उस हिसाब से तुम क्या हुए? मैं तो आ गई। तो प्रीता कहाँ है? आता हूँ। अरे क्यों, प्रीता के लिए हीरो का हार लाई हो क्या? नहीं जी, उसके लिए खुशियों के जीत लेके आई हूँ, समझी? नहीं समझी? मर जानी, कब सुधरेगी? सुधरने में कितना वक्त लगाएगी? ये जो तू अपने गेंडे की तरह भौंय ताने घूम रही है ना, उससे साफ पता चल रहा है तू साड़ी प्रीता की खुशियों से जल रही है, सड़ रही है। सड़ सड़ क्या बकवास बातें कर रहे हो? और अगर आज मैं मां नहीं बन पाई ना, वो प्रीता की वजह से। जानकी इधर आ, चल कुछ काम है, आ जा। तुम जरा मेरे साथ चलो, तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है मुझे। मैंने ऐसा क्या कह दिया, आप लोग इतना हंस रहे हो यार? बेटा तू इससे पहले कभी भी इतना पोजेसिव नहीं हुआ प्रीता के लिए। ये भी मेरा फोन नहीं उठा रही है, कैसे रुकूं मैं बेबी को, कैसे रुकूं? अगर मैं वहां होता तो किसी भी हाल में शर्लिन को रोकता, पर मैं वहां नहीं हूं तो फिर मैं कैसे रुकूं? क्या करूं? ओके 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 ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हो तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं प्रीता से कभी नहीं लड़ूंगा और इसकी कंप्लेन भी नहीं करूंगा।
और अगर ये मेरे साथ लड़ाई करेगी तो भी इसे नहीं लड़ूंगा, प्रॉमिस करता हूं। हमेशा हर वक्त इसकी हर चीज, इसकी सेहत का ध्यान रखूंगा। वैसे गाइस पता है, आप सभी को इतने दिनों बाद इतना खुश देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, मजा आ गया एकदम। इस खुशी के पीछे सरला जी आपकी बेटी का हाथ है। अरे सर, बेटी का हाथ है, बेटे का हाथ नहीं है। अरे बेटा, तेरा भी हाथ है, मैंने कब बोला तेरे बगैर पॉसिबल ही नहीं। दोनों का हाथ है। सॉरी भाभी, वो गलती से हो। कोई बात नहीं गिरीश भैया, होते रहता है। हल्की सी केचप ही तो लगी, मैं साफ कर लेती हूँ। मैं आती होगी, मैं जरा इसके साथ जाती। अच्छा, मैं भी आती हूँ। देखा, दादी की बर्थडे पार्टी के केक के साथ प्रीता के लिए भी केक लाया गया है। ये प्रीता ना, ये मेरे चले पे नमक छिड़क रही है। बट नेवर माइंड, आज मैं इस पार्टी में उसका गुरूर, उसका सपना, उसका आने वाला कल सब कुछ जल के रख दूंगी। आने वाले बच्चे के लिए इतनी खुशियां मनाई जा रही है ना, जब वो खुशियां ही नहीं रहेंगी तो ये लोग सब क्या एंजॉय करेंगे। मेरे साथ साथ प्रीता भी गम में डूब जाएगी। गिरीश जी भाभी, ये केक बाहर ले आना। ओके भाभी। मैं ना तेरे लिए खास चीज लेकर आई हूँ। ओ हेलो मम्मा, खास बोले तो ये सस्पेंस क्या क्रिएट कर रहे हो? अरे कोई बीच की स्टोरी तो बताओ, क्या खास लाए हो, क्यों लाए हो, किस लिए? एक सेकंड, तेरे लिए नहीं लेकर आई। अरे प्रीता के लिए लेकर आई हूँ, उसके होने वाले बच्चे के लिए लेकर आई हूँ। भगवान इन दोनों को बस बुरी नजर से बचाए। पैर दे अपना आराम से। शाबाश, यहाँ पे रख। बस भगवान करे तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को किसी की नजर ना लगे। वो क्या है ना, मैं भगवान से प्रार्थना करके धागा लेकर आई थी, लेकिन नीचे देने में शर्म आ रही थी। मुझे लगा सब क्या सोचेंगे, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन वैसे सोच इतनी धक्के अनुसी है, इसलिए सोचा ऊपर आके तुझे चुपके से पहना दूंगी। बिल्कुल नहीं माँ, आपको पता है आपसे पहले ही दादी मेरे हाथ में काला धागा पहना चुकी है। अरे वाह, ताकि मुझे किसी की नजर ना लगे। बस तुझे किसी की नजर नहीं लगे, कभी नहीं लग सकती। एक नहीं क्या, लेकिन ध्यान रखना। क्या है ना, अपनों की नजर लग जाती है कई बार। अपने इतना प्यार जो करते, इसलिए अपनों की नजर से बचाने के लिए उन्होंने यहाँ हाथ में और मैंने तुझे पैर में पहना दिया धागा। मेरे आस पास इतने प्यार करने वाले लोग हैं, मुझे कैसे किसी की नजर लगे? नहीं लगेगी। चल, अब 9 महीने तक ना तुझे मेरे से लेक्चर मिलता ही रहेगा। ये मत कर, वो मत कर, ये मत खा, वो मत खा। ऐसे चल, संभल के चलना। दुख को आसपास भी मत आने देना। खुश रहना और खुशियां ही बांटती रहना। करण से लड़ाई मत करना। दोनों मिलकर अपने बच्चे का स्वागत करोगे तो कितना अच्छा लगेगा। तू भी तंग मत करना इसे। हाँ, मैं नहीं करूंगी माते, नहीं करूंगी। हंस लो, हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि तुम्हारी ये हंसी बस कुछ देर की मेहमान है। गिरने वाली थी मैं, और संभाला प्रीता को तुम लोगों ने। अब देखना, तुम्हारे सपनों को मैं ऐसे गिराऊंगी कि उठाने लायक नहीं रहोगे। कांच की तरह टूट के चूर चूर हो जाओगे तुम सब।
नहीं सुधर सकती ना कभी। अच्छा हुआ मुझे पृथ्वी जी ने फोन करके तुम्हारे इरादों के बारे में बता दिया था। मालूम था ऐसा कुछ करने वाली हो तुम। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। ओह, लगता है कृतिका को पता चल गया है कि शर्डन का इसके हस्बैंड बागड़ बिल्ले के साथ चक्कर चल रहा है। वो तेरी पागलपन देखना तुम्हें मेरा। How dare you? आप ही के बच्चे को मारने की कोशिश कर रही थी घटिया औरत। क्या ठीक है बच्चे को मान भूल गया होगा और उठाया नहीं। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हें क्या लगा कि तुम सीढ़ियों पे वो मार्बल्स गिराओगी और मेरी दी वहां से गुजरेगी उनका पैर उन मार्बल्स पे पड़ेगा और फिसल के गिरेगी और उनके बच्चे को तुम नुकसान पहुंचा सकोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम कितनी घटिया औरत हो यार। अरे तुम्हारे कोख में भी बच्चा था ना शर्लिन। हाँ तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? हर एक डायन भी अगर कोख से होती है ना तो उसके अंदर की अच्छाई आ जाती है बाहर। लेकिन तुम किस मिट्टी की बनी हो शर्लिन? एक औरत होकर दूसरी औरत के बच्चे की जान लेने की कोशिश कर रही थी। अभी नीचे चलते हैं और इसका ये घिनौना चेहरा सबके सामने लाते हैं। चल रुक जा। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं कर सकते ऐसा। तो क्या बोल रही है कृतिका? ये तू बोल रही है अभी नहीं कर सकते? देखो क्या हो गया है। मेरी बात चल, इधर बात सुन मेरी। दृष्टि देख, मुझे पृथ्वी जी का फोन आ गया था। पृथ्वी जी ने मुझसे कहा था कि ये डेफिनेटली ऐसा कुछ करेगी, मैं इस पे नजर रखूंगी। उन्होंने मुझे एक बात समझाई सृष्टि, समझने की कोशिश कर। जलन जो होती है ना इंसान की फितरत में होती है। जलता है इंसान जब दूसरे इंसान को खुश देखता है, वो खुशी जो उसे नहीं मिली। इस केस में शर्लिन के साथ वैसा ही, वो जेलस है प्रीतम भाभी से कि उसका बच्चा दुनिया में नहीं आया, प्रीतम भाभी का कैसे आया। इसी वजह से उसने प्रीतम भाभी की बेबी को हार्म करने की कोशिश की। पर मेरी बात सुन, अगर अभी हम ये बात जाके बाहर बताते भी है ना सृष्टि, सबका मूड कितना खराब हो जाएगा। 3 महीने बाद खुशियां आई है घर में। मेरी फैमिली को देख यार, मामा मामी जी को देख कितने खुश हैं, कितने उदास थे 3 महीने। क्या बीतेगी सब पे, कैसे बर्दाश्त करेंगे इस दर्द को वो लोग? कृतिका नहीं कर पाएंगी। और पृथ्वी जी ने हमारी हेल्प की है ना सृष्टि, तो हमारा इतना फर्ज तो बनता है कि हम उनकी बात का मान रखें, बाहर जाके किसी को कुछ ना बोले। देख मेरी बात मान, अभी इस बात को यहाँ दबा दे, इसको उसके हाथ पे छोड़ दे, बाद में हम लोग कर लेंगे। पृथ्वी जी के बात का मान रखना है तुझे? किसने इतना बड़ा कांड कर दिया? कृतिका कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। और तू कह रही है किसी को बताना नहीं, मतलब क्यों ऐसे कह रही है यार? तो मेरी बात सुन, इंसानियत के नाते सोच के देख ठीक है। शर्लिन ने भी अपना बच्चा खोया है ना, उसको उस चीज का डिप्रेशन है और डिप्रेशन में आके उसने सही गलत का फैसला भूल के गलती की है। डिप्रेशन में आके कल को किसी का खून कर देगी तो क्या हम चुप बैठे रहेंगे यहाँ पर? कि तू कैसी बातें कर रही है? छुट्टी में अब कुछ भी हो सकता था कृतिका। इसने के बच्चे को जान से मारने की कोशिश की है। अगर हमने इसे आज छोड़ दिया ना तो कल को ये कोई और बड़ा कांड कर देगी। ये तो भगवान जी की मेहर है, उनका आशीर्वाद है, उनकी मेहरबानी है कि वो बच्चा बच गया। अगर नहीं होता तो क्या होता? मेरी बात सुनना, देखो क्या लग रहा है मैं इसके लिए बोल रही हूँ ये सब कुछ? मैं इसके लिए नहीं कह रही सृष्टि, मैं अपनी फैमिली के लिए कह रही हूँ। उनकी हालत क्या होगी जब ये जानेंगे तो किसने ऐसी हरकत की? कृतिका ये जो मुझे सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है इससे बात करती हूँ। उनके लिए प्लीज तुम सही कह रही हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपना बच्चा खोया, मैं अपने होशबाज खो बैठी। मुझे नहीं समझ में आई पागलपति में मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती होगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। I'm really sorry. मुझे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। I'm sorry कृतिका,
मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं पिता के बच्चे को इतना प्यार दूंगी जितना मैं अपने बच्चे को करती। मम्मी ये पड़दादी बनन का एहसास किवें दा दसूंगा? बड़ा चंगा। ओए होए फिर भी दसो तो सही। ऐसा लगता है मौत के करीब आ गई और तुर फिटे मुंह। ये पिता कहीं नजर नहीं आ रही, शायद मॉर्निंग सिकनेस हो रही होगी या फिर अब तक उठी नहीं होगी। चलो इस बात का फायदा उठाती हूँ। हाँ मैं प्रीता की तरह इस घर को बच्चा नहीं दे सकी तो क्या हुआ, प्रीता के नाम पे क्रेडिट तो ले सकती हूँ कि प्रीता प्रेग्नेंट है, मैंने उसे उठाने से मना कर दिया, सुबह से सारा काम मैं ही कर रही हूँ। मैं इस घर की वो बहू हूँ जिसके बिना इस घर में पत्ता तक नहीं हिलता। गिरीश ये जूस दादी और पापा जी के लिए ना? ये नॉर्मल जूस है, ये उनके लिए। हाँ जी बताए उनके लिए, बाकी का ब्रेकफास्ट ले। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर। दादी मैंने आपके लिए आज जूस बनाया, शुगर फ्री। थैंक यू सो मच। पापा जी आपके लिए बनाया। बेटा वैसे तुम इतनी मेहनत कब से करने लगी? जब से दादी ने मुझे कहा कि पिता माँ बनने वाली है, उसकी सेहत का ध्यान रखो, तब से। अच्छा मेरी बात इतना मानती है? ऑफ कोर्स दादी, आपकी बात कौन नहीं मानेगा। गुड गुड। मम्मी जी फिर पी लो। चीयर्स टू पड़दादी। यस चीयर्स। अरे दादी रुकिए, आपको गिरीश ने बताया नहीं, वो जूस आपके लिए नहीं है, ये कैन जूस है ना, इसमें बहुत शुगर होती है, रख दीजिए आपके लिए। ये है, मैंने स्मूदी बनाई है। पर शैलन तूने तो कहा तूने बनाया है जूस। ये शैलन ने ही बनाया है, ये स्मूदी शैलन ने बनाई है, लेकिन किचन से आते हुए गलती से वो ये वाला जूस उठा कर ले आई। कोई बात नहीं। आज ये पीता मुझे क्यों बचा रही है? अब इसके पीछे इसकी कौन सी चाल छुपी है? मैं तुम्हारी तरह कोई चाल नहीं खेलती। मैंने ये झूठ सिर्फ अपने परिवार की खुशियां बरकरार रखने के लिए कहा है। गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग बच्चा। ब्रेकफास्ट में क्या आया, जल्दी से डाल दो, मुझे बहुत भूख लगी। तब मैं कॉल अटेंड कर लेता हूं। पीता मेरी दादू को बोली जाती है। गुड मॉर्निंग बोली जाती है। अरे मेरी किट रख दी थी ना, मैं ऑफिस के बाद सीधा प्रैक्टिस पे जाऊंगा। मैं बाकी का नाश्ता लेकर आती हूँ। मैंने आपको कहीं देखा है। What? Excuse me. Listen, एक तो ना मेरा बाहर निकलना बैन है, ऊपर से मैं चोरी चोरी आई हूँ यहाँ पर सुबह सुबह तुमसे मिलने, and you're acting as if मैं कोई अजनबी हूँ। वो तो तुम अजनबी, actually सोना। You अरे मैं सच में तुम्हें नहीं लग रहा, मैं सच में तुम्हें नहीं लग रहा, तुम मेरी लग रही हो। सॉरी रीता, मीट सोना, आई मीन सोनाक्षी, मेरे कॉलेज की दोस्त है। ओह अच्छा, हाय हाय प्रीता, सो नाइस टू मीट यू, एंड बाय द वे नाइस कैच। सोनाक्षी कितना बदल गई है तू, है मैंने तो पहचाना ही नहीं। तुम वही हो ना जो करण की बर्थडे पार्टी में आई थी और आधी रात को उसे डिस्को ले गई थी लेकिन हमको नहीं लेकर गई। देखा मेरे घर वाले भी तुम्हें नहीं पहचान पाए। एक्चुअली क्या ना, ये बिल्कुल चेंज हो गई है, पहले बिल्कुल लड़का लगती थी, एकदम टॉम बॉय, अभी लड़की दिख रही है। चुप ही हां, नो वे, मैं सोच रही थी किसकी आवाज है ये, सोनाक्षी। ओह माय गॉड, माय गॉड, लड़की बन गई यार तू। आई कृतिका, कैसी है तू? नो सरप्राइज, एक सेकंड लेट मी सी यू। गुम गुम गुम, देखो देखो सर से पांव तक लड़की बन गई है तो। क्या यार कृतिका, तू भी ना अपने भाई की तरह बिहेव मत कर। हाँ तो किसकी तरह करे, मेरी बहन है तो भाई की तरह ही बिहेव करेगी ना।
हेलो। तो व्हाट हेलो? हाँ ये ना बिल्कुल लड़का लगती थी, एक बार तो उसने मेरे कपड़े भी मांगे थे। ऐसा कुछ नहीं है, वो मैंने किसी और फ्रेंड के लिए मांगे थे। फ्रेंड के लिए मांगे थे? मैं तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या था ना, ये वो नहीं थी कुछ कुछ होता वाले काजोल पसरा पाली, ये पहले वैसी थी बिल्कुल टॉम बॉय लड़का टाइप, ये अभी लड़की बनकर आई है सेकंड हाफ वाली। अच्छा जी, पहले तो तुम मुझ पे कितना फिदा रहता था, दिन रात बस सोना 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 यही करता रहता था। शट अप, ये कोई मजाक नहीं है, इट्स नॉट अ जोक। शक्ल देख। ओह माय गॉड यार, चिल कर, मजाक कर रही हूँ यार, शक्ल तो देखो 12 बज गए हैं। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, हम बस पक्के वाले बेस्ट फ्रेंड्स थे। हाँ बस लग मेरा थोड़ा खराब था, इसकी जो इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स चेंज हुई है ना, उनमें मेरा नंबर कभी नहीं आया। बेटा आज तेरे सारे राज खोल के रह गए हैं।